इटावा में 10 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा रेल हादसा हो गया है। वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग से 19 यात्री घायल हो गए हैं। ट्रेन नई दिल्ली से सहरसा जा रही थी इटावा के पास। आज तड़के सुबह 3 बजे यह हादसा हुआ है और 10 घंटे के अंदर यह दूसरा हादसा है जब ट्रेन में आग लगी है। अफसरों के होश उड़े हुए हैं। देर रात दिल्ली से चलकर सहरसा बिहार जा रही थी ये ट्रेन। ट्रेन नंबर है 12554। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन इटावा स्टेशन के आउटर पर खड़ी थी, तभी स्लीपर कोच S6 में यात्रियों ने धुआं उठता हुआ देखा। सूचना देकर जब तक ट्रेन रोकी जाती, धुआं काफी तेज हो चुका था। इस पर यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग से झुलसने और चलती ट्रेन से कूदने में 19 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और हालात गंभीर होने पर 11 यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। वहीं 8 यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। ग्रामीण इलाके के SP सत्यपाल सिंह ने बताया कि आज S6 कोच में आग लगी। जैसे ही सूचना मिली, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी 30 से 35 मिनट तक रोकी गई थी।